New synthetic football playground was inaugurated on Monday at Khumulong, holding the hand of Maharaja Pradyut Kishore Debarma through a ceremony. ADC government has spent 5 crore 36 lakh rupees to complete this playground. After a long wait, finally on Monday, new synthetic football playground was inaugurated on Monday by holding the hand of Maharaja Pradyut Kishore Debarma through a program. Inauguration ceremony was attended by Minister of State Brishiketu Debarma, TTADC Chairman Jagadish Debarma, CEM Purnachandra Jamatia, and EM Suhel Debarma, including the EMs and MDCs and other leaders of Tripura Motha. In the program, ADC CEO CK Jamatia gave a welcoming speech. Likewise, chief guest of the event, Maharaja Pradyut Kishore Debarma, also gave a few speech. सबसे पहले आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट ये स्टेडियम का आज एस्ट्रोटर्फ लगाया जा रहा है और अगर हमें यूथ को एक अपॉर्चुनिटी देना है जिंदगी में तो उसमें स्पोर्ट्स और पर्सनल फिजिकल फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है. आज जो सुनील छेत्री या बाईचुंग भुटिया ने इंडिया के लिए किया है वो कोई भी मंत्री से ज़्यादा बड़ा है. आज जो सचिन तेंदुलकर ने या विराट कोहली ने इंडिया के लिए किया है वो कोई भी मिनिस्टर से ज़्यादा बड़ा है. क्योंकि जब स्पोर्ट्स में कोई अचीव करता है तो वो सिर्फ अपने पार्टी के लिए नहीं करता है, अपना आइडेंटिटी के लिए नहीं करता है, पूरा देश के लिए करता है. आज एक सौरव गांगुली ने पूरा बंगाल को क्रिकेट के मैप में लाया. आज एक बाईचुंग भुटिया ने पूरा नॉर्थ ईस्ट को फुटबॉलिंग मैप में लाया. आज एक सुनील छेत्री ने पूरे इंडिया में दिखाया है कि एक पहाड़ का लड़का नेपाली हो वो इंडिया का कैप्टन बन सकता है. आज आप अर्जेंटीना जाओगे या किसी से बात करोगे, पहला नाम आपके माइंड में अर्जेंटीना का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का नाम नहीं आएगा, मेसी का आएगा. तो स्पोर्ट्स में एक चीज़ है जो एक देश को गर्व देता है. एक दीपा कर्माकर ने त्रिपुरा का नाम को गौरव किया. आज भी मैं बाहर जाता हूं तो सब लोग दीपा कर्माकर के बारे में बात करते हैं. आज भी मैं बाहर जाता हूं तो जब म्यूजिक होता है तो सब सौरभी के बारे में बात करते हैं या आरडी बर्मन के बारे में बात करते हैं. तो कुछ चीज जिंदगी में राजनीति नेतागिरी से बड़ा होता है, उसमें स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आज ये एस्ट्रोटर्फ हमने खोला है. अगर त्रिपुरा को और हमारे त्रिपुरासा को आगे बढ़ना है तो सिर्फ राजनीति भी नहीं, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, और भी कला है, राइटिंग हो, उसमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा. आज यूथ को रोल मॉडल चाहिए और सबसे अच्छा रोल मॉडल वही होगा जो फिट हो, जिसने राज्य का नाम उठाया और जिसने अपने देश का नाम उठाया. मैं चाहता हूं कि यहां से ही एक ऐसा प्लेयर निकले जो इंडिया के लिए खेले, नेशनली एंड इंटरनेशनली इंडिया के लिए खेले, और तब मुझे लगेगा कि हाँ एक त्रिपुरासा यहाँ तक पहुँचा है. मैं जानता हूँ कि हमारे यूथ को फुटबॉल में बहुत शौक है, क्रिकेट में बहुत शौक है, और उनको अगर अच्छे तरीके से खेलना है तो ग्राउंड को ठीक होना पड़ेगा, वरना अगर आपका बेसिक टेक्निक में ही, बहुत लोग जो फुटबॉल नहीं खेलते उनको समझ में नहीं आएगा. मैं खेलता था फुटबॉल, मैंने प्रोफेशनली खेला है, और अगर आपका ग्राउंड ही ठीक नहीं रहेगा तो आपका टेक्निक कभी डेवलप नहीं होगा. और अगर आपको एक टैलेंट निकालना है तो उनको आपको बचपन से सिखाना पड़ता है, एक उम्र के बाद आप ज़्यादा नहीं सिखा सकते. तो वाइल आई अप्लॉड द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फॉर TTADC, मैं आपको विनती भी करूंगा कि आप एक अच्छे कोचेज लाइए,
ग्राउंड बनाया है, लेकिन ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए आप अच्छे से स्टाफ को रखिए और एक ऐसा कोचिंग स्टाफ लाइए जहां में हम लोग अंडर 12, अंडर 10, अंडर 15, अंडर 17 करके एक आइडेंटिफाई करें टैलेंट, जिनको हम उनका न्यूट्रिशन, उनका पढ़ाई, उनका भविष्य को हम सिक्योर करें कि वो खेल सकता है और उनका शिक्षा भी हम लोग दे सकते हैं, उनका न्यूट्रिशन भी हम लोग दे सकते हैं और आने वाले दिन में इन्वेस्ट करें। जब तक हम लोग अपने यूथ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने यूथ को भरोसा नहीं देंगे कि आपका पढ़ाई हम देखेंगे, आपका खाना पीना हम देखेंगे, आप खेलो और हमारा राज्य का नाम, हमारा जाति का नाम उठाओ, जब तक हम लोग ये दायित्व नहीं लेंगे हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये शुरुआत है, लेकिन हमने पहले भी बहुत बार देखा है कि हम लोग सिर्फ शुरुआत करते हैं, उसका फॉलो अप नहीं करते। तो प्लीज आइडेंटिफाई सम गुड कोचेस, प्लीज आइडेंटिफाई सम यंग टैलेंट एंड प्लीज इन्वेस्ट इन देम। आज ONGC इतना पैसा खर्चा करता है अगरतला में म्यूजिकल प्रोग्राम के लिए, अगर ONGC आज हमारे यूथ को, यूथ के लिए, टैलेंट के लिए, एकेडमी के लिए 20-25 लाख भी दे दे साल का, हम लोग एटलीस्ट 15 से 20 यूथ को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो आप लोग अप्रोच कीजिए सीके बाबू, यू आर द CEO, यू कैन अप्रोच, उनका CSR फंड है, उनके ऊपर, उनके पास अप्रोच कीजिए। और कभी कभी जो खेल कर सकता है, जो स्पोर्ट्स कर सकता है, वो राजनीति नहीं करता है। ADC government has spent 5 crore 36 lakh rupees to complete this playground. People of the area are extremely happy with the inauguration of the new football playground at Khumulong area. Bureau report, Chini Khorang.